हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आज फिर आ गया हूं मैं आपके सामने एक नया बेहतरीन शेयर लेकर अपने YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग प्रवीण पर। तो आज जो मैं शेयर ढूंढ के लाया हूं, ये एक बहुत ही बढ़िया शेयर है और बेसिकली ये कंपनी टर्बाइन्स बनाती है। तो चलिए आपको बताऊंगा इसके बारे में। उससे पहले आप मेरे वीडियोज को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन शेयर मिल सके। तो ये जो शेयर लेके आया हूँ, इसका नाम है त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड। इसमें एक अभी अभी बड़ी ब्लॉक डील हुई है, 10,17,175 शेयर खरीदे गए हैं 39.57 करोड़ में 389 के रेट पर। तो ये इसके अंदर अभी अभी एक नई खबर आई है। कुछ दिन पहले इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया था, रिजल्ट पॉजिटिव आया था। इसका नेट प्रॉफिट 58.82% बढ़कर पिछले साल के मुकाबले, तो इसका नेट प्रॉफिट बढ़कर 60.75 करोड़ हो गया है। और पिछले साल जून 2022 में नेट प्रॉफिट 38.25 करोड़ था। इसकी सेल्स भी 45.31% बढ़कर 376.42 करोड़ हो गई है। और एक और नई खबर है इसमें, FIS ने भी इसमें मार्च 2023 से अब तक 2% हिस्सेदारी बढ़ा दी है। मार्च 2023 में FIS का स्टेक इसमें 24.38% था और अब बढ़कर 26.79% हो गया है। जून 2022 में FIS का स्टेक 16.97% था एक साल पहले, और एक साल में लगभग उन्होंने अपना 10% स्टेक इसके अंदर बढ़ा दिया है। तो कुछ तो बड़ी बात है, तभी FIS के अंदर लगातार पैसा बढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली ये कंपनी करती क्या है। जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कंपनी टर्बाइन्स बनाती है। अब टर्बाइन भी कई तरह की होती है, ये स्टीम टर्बाइन भी बनाती है और भी कई तरह की टर्बाइन्स बनाती है। स्टीम टर्बाइन जो बेसिकली यूज होती है वो बिजली बनाने में यूज होती है। ये कंपनी बिजली बनाने वाले प्रोडक्ट्स भी बनाती है। 1970 में ये त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज का पार्ट थी, पर 2010 में ये अलग हो गई और तब से अलग कंपनी बन गई। अब आपको बताता हूं इसके आगे। ये कंपनी 1 से लेकर 100 मेगावाट की पावर वाली टर्बाइन बनाती है। ये चीनी, सीमेंट, केमिकल्स, कपड़े मिल, पाम ऑयल वाली, पेपर, स्टील, बायोमास पावर, कार्बन ब्लॉक वाली, ऑयल एंड गैस, फूड, डिस्ट्रिक्ट हीटिंग, डिफेंस जैसे फील्ड्स के लिए टर्बाइन्स बनाती है। ये जितने फील्ड्स मैंने आपको बताए हैं, इन सब सारे फील्डों में टर्बाइन्स बनाकर सप्लाई करती है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये कंपनी सत्तर से ज्यादा देशों में 5,000 से ज्यादा स्टीम टर्बाइन लगा चुकी है। सोचिए इसका कितना बड़ा मार्केट है, ये 70 से ज्यादा देशों में स्टीम टर्बाइन लगा चुकी है बिजली बनाने के लिए। अब आपको इसके शेयर के बारे में बताता हूं। एक साल पहले इसका शेयर 200 रुपए का था, आज 388 का है। सोचिए 200 से 388 लगभग डबल ही कर दिया है इसने। अब आपको इसके मार्केट कैप वगैरह के बारे, फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूं। इसका मार्केट कैप 12,318 करोड़ है, पी रेशियो 57.32, आरओई 33.57% और डेप्ट टू इक्विटी 0 है। सोचिए इस कंपनी के ऊपर डेप्ट है ही नहीं, वो डेप्ट टू इक्विटी 0 है, इसीलिए तो FIS इसके अंदर पैसा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अब आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूं। प्रमोटर्स के पास 55.84%, FIS का 26.79%, म्यूचुअल फंड्स का 12.31%, रिटेल में 5.05% और DIS का 0.01% स्टेक है। आने वाले दिनों में मेरी तरफ से इसका टारगेट 450 का है। तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ये इससे जुड़ी एक नई खबर आई थी और ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है। अगर आप इस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। शेयर मार्केट बहुत रिस्क वाली है। आप शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले अपने सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही पैसा लगाएं, क्योंकि जो उसमें लॉस होगा वो आपका होगा, जो प्रॉफिट होगा वो आपका ही होगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए कल फिर मिलूंगा मैं आपको एक बेहतरीन शेयर के साथ। कल फिर मिलते हैं। आप ऐसे ही नए नए वीडियोज को लाइक करते रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसी नए नए और बढ़िया शेयर मिल सके। मैं बेसिकली वो शेयर लेकर आता हूँ जिनमें FIS का निवेश अभी हाल फिलहाल में बढ़ा है या फिर इनमें ऑलरेडी उन्होंने काफी निवेश कर रखा है। चलिए कल मिलते हैं अब आपको नए वीडियोज में। धन्यवाद।